नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा कुछ चुनिंदा आईटी स्टॉक्स के बारे में। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको याद होगा हमने इंफोसिस, IRCTC और एक और स्टॉक मैंने जो शेयर किया था, अभी मेरे दिमाग में नाम नहीं आ रहा उसका। ये तीन स्टॉक्स आपको वोल्टास, तीन स्टॉक्स मैंने टेक्निकली अच्छे दिख रहे हैं ये कहकर शेयर करे थे, जिनमें से IRCTC टारगेट डन कर दिया है 720 का, इंफोसिस अच्छा कर रहा है और वोल्टास मैंने अभी चेक नहीं करा है। वोल्टास भी मैं आपके साथ चेक कर लेता हूं एक बार एंड उसके बाद उस पर भी अपडेट देता हूं आपको। वोल्टास में अभी तक कोई खास मूव आया ही नहीं है, ये वहीं का वहीं सस्टेन कर रहा है। 880 पे हमारी बात हुई थी, अभी 880 पे प्लेस्ड है। अभी यहां पे इंफोसिस या फिर TCS में क्या करना चाहिए, क्योंकि आज आपका वीकली क्लोजिंग हो जाएगी 6 अक्टूबर है, फिर 7th 8th आपके लिए सैटरडे संडे, 9th को बाजार खुलेंगे, 10th और 11th से रिजल्ट सीजन स्टार्ट और आईटी ही रिजल्ट सीजन का शुरुआत करता है, आगाज करता है। तो क्या रिजल्ट से पहले बाइंग करनी चाहिए या एसेंचर के नंबर्स ने जो अलर्ट जारी करा है उससे देखते हुए हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर हल्का सा साइड में बैठना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। इस समय निवेशक तेजी में भूल जाते हैं सारी खराब चीजें और मंदी में भूल जाते हैं सारी अच्छी चीजें। ऐसे में दोनों चीजों को आपके साथ शेयर करता हूं और क्या करना चाहिए इसके ऊपर बात करते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा, हमने अपने टेलीग्राम पे जस्ट अभी निफ्टी के लिए एक कॉल ऑप्शन शेयर किया हुआ है। अभी निफ्टी 19,642 पे आ गई है, 19,630 पे थी जब मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसका जो 19,650 की कॉल ऑप्शन का प्राइस मैंने आपके साथ शेयर किया था तो अराउंड 85 था और अभी 91 का हाई लगा है। तो आपके लिए ये अपडेट थी। जो लोग टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बट जुड़ने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि हम डेली बेस पे कोई सजेशन नहीं देते हैं, जब हमें दिखता है तभी देते हैं, वीकली बेसिस पे एक दो और एक पोर्टफोलियो पिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन्वेस्टर्स के लिए। मेनली हम इन्वेस्टर पर्पस से ये टेलीग्राम चला रहे हैं, बट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में बीच बीच में जो भी दिखता है वो लेवल शेयर करते हैं। अगर मैं आपके साथ निफ्टी के लेवल शेयर करूं तो 19,700 पे रेजिस्टेंस है, मेरे को लगता है निफ्टी एक बार 19,660 से लेकर 70 के बीच में जा सकता है, क्योंकि मार्केट सुबह से पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, बेस बना रहा है, सपोर्ट ले रहा है, नीचे पुट राइटिंग हो रही है, तो वो सपोर्ट दे सकता है बाजार को। जो यहां से 20-25 पॉइंट ऊपर आता है तो हमारा टारगेट डन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहो तो जुड़ सकते हो टेलीग्राम पे। अब आ जाते हैं वापस से अपने आईटी स्टॉक्स पे। अगर आज मार्केट की लीडरशिप की बात करी जाए तो वैसे तो रियलिटी स्पेस 1% ऊपर है, सेकंड लार्जेस्ट गेनर आईटी है, बट निफ्टी को ऊपर ले जाने में अगर आप बात करो किसका योगदान सबसे ज्यादा है तो वो आईटी हो जाएगा, क्योंकि वेटेज के मामले में रियलिटी तो कहीं है ही नहीं आसपास आईटी के। तो आईटी का सेकंड हाईएस्ट वेटेज है निफ्टी में, पहला फाइनेंशियल्स का है। तो आज निफ्टी आईटी इंडेक्स ही मार्केट को ऊपर लेके जाने का काम कर रही है। इससे में बात करें तो SCL टेक आपके लिए 1% से ज्यादा ऊपर है, इंफोसिस आपके लिए 1.25% ऊपर है, LTI माइंडट्री में 0.5% की तेजी है, लार्ज कैप बढ़िया कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो बीते कुछ ट्रेडिंग सेशंस में खबरें भी दबा के आ रही हैं। कल TCS ने धमाका करा, आज इंफोसिस अच्छा कर रहा है 1.25%। खबर की बात की जाए तो कंपनी को डायरेक्टली कहीं ना कहीं बार बार ऑर्डर्स मिल रहे हैं, डील पाइपलाइन अच्छी आ रही है, ये अच्छी बात है, कॉलैब हो रहे हैं। TCS के साथ भी सेम सिचुएशन है। अब मैं अगर इंफोसिस की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि रिजल्ट सीजन से पहले आपको क्या करना है एज अ इन्वेस्टर, आपको रिजल्ट्स के बाद लेना है, क्योंकि अब लेके फायदा नहीं है ना। आप वीकेंड से पहले खरीदते हो, आज टेंशन लेते हो, वीकेंड के बाद 2 दिन नॉर्मल ट्रेड होते हुए देखोगे, तीसरे दिन बड़ी टेंशन आ जाएगी। कुछ खराब हो गया तो खरीदते ही गिरने का टेंशन अलग रहती है, स्ट्रेस अलग हो जाता है। तो रिजल्ट्स आने के बाद ही मैं एज अ इन्वेस्टर अब इसमें पार्टिसिपेट करना पसंद करूंगा। दूसरा विकल्प ये हो सकता है, मेरे को 100 रुपए लगाने हैं मान के चलो, तो मैं 50 लगा दूंगा और 50 मैंने अपने आप को तय कर लिया है कि आईटी में अगर नंबर खराब आए, 4-5% टूट गया तो मैं वहां लगा दूंगा, वहां मेरे को दुनियादारी की बातें नहीं सुननी, मेरे को लगाना है, ये मेरा व्यू क्लियर हो जाना चाहिए, तो मैं लगा सकता हूं। या फिर बेस्ट ये होगा कि रिजल्ट्स के बाद लगाऊंगा मैं, ठीक है जी। ये तो हो गई इन्वेस्टर्स के लिए, अब बात करते हैं ट्रेडर्स के लिए। तो ट्रेडर्स के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा, रिजल्ट से पहले पोजिशन को कट कर लें। रिजल्ट कैसे आएंगे इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर आईटी कंपनी की पर्टिकुलरली बात करें तो आईटी कंपनीज ने कहा था कि Q2, Q3 से हम इंप्रूवमेंट देंगे, वहीं एसेंचर के नंबर और गाइडेंस ये दिखा रहे हैं कि आईटी में तो अभी बड़ी प्रॉब्लम है। और अमेरिका अपने आप में एक बड़ा इनके लिए रेवेन्यू का सोर्स होता है आईटी कंपनीज के लिए, तो जब उनकी खुद की कंपनियां दिक्कत में है तो मेरे को लगता है ये थोड़ा सावधानी वाला समय है, तो आपको रिजल्ट्स के बाद ही ट्रेड लेना चाहिए।
और मंदी की भी नहीं खेल सकते हम, मंदी खेलेंगे तो आईटी कंपनी खुद कह रही है हम अच्छा कर रहे हैं। तो देखने वाली बात है, रिजल्ट्स के बाद ट्रेड करना है। बाकी अभी जिनके पास ऑलरेडी है उनको क्या करना है, 11 तारीख को टीसीएस के नंबर है, 12 को इंफोसिस के एससीएल टेक के नंबर है। टेक्निकली देखा जाए तो इंफोसिस अच्छा दिख रहा है। टेक्निकल टर्म्स पे अगर मैं आपके साथ सपोर्ट बात करूं तो 1440 का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। ऊपर में पहला टारगेट 1500 का है और उसके बाद 1520 एंड देन 1550 के लेवल्स भी आपके लिए आते हुए दिख सकते हैं। जिनके पास भी ये शेयर है 1440 का स्टॉप लॉस रखें और पोजीशन को होल्ड करें। टीसीएस की बात करें तो जिस पे भी पोजीशन है 3510 या 3500 का स्टॉप लॉस, यहाँ से 3% नीचे हो गया 2.5-3%, तो आप लंबा स्टॉप लॉस बन रहा है, उससे पहले आ नहीं रहा, रख सकते हैं तभी आप लेना। अदरवाइज छोटा अगर मैं देखूंगा तो छोटे इंट्राडे वगैरह वालों के लिए 3570 का निकल के आ रहा है 20-25 पॉइंट नीचे। तो ये दो लेवल्स हैं जो आपको रडार पे रखने चाहिए। ओवरऑल आईटी में व्यू मेरा लॉन्ग टर्म के लिए शुरू से पॉजिटिव है। बाकी रिजल्ट्स के बाद मैं दोबारा इन स्टॉक्स को लेकर अपने फ्रेश टारगेट, फ्रेश अपडेट और जितनी भी चीजें होंगी वो शेयर करना शुरू करूंगा। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।